सपनों की राजकुमारी। ये मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। How dare you? उतारो मुझे। अरे बड़ी नाशुक्र हो तुम। एक तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, ऊपर से चिल्ला रही हो, डूब जाती तुम। डूब जाती तो डूब जाती, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? सपनों की राजकुमारी। सपनों की राजकुमारी नहीं, हकीकत की। तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। दिल लगी करने को दिल तो बात कर रहा है, पर जरा जल्दी मैं हूँ, फिर मिलेंगे। कौन है ये जानवर? जानवर? जानवर नहीं, आदमी है आदमी, और नाम है अजय। गांव की सारी लड़कियां मरती हैं इस पर ये है कि मुड़कर देखता तक नहीं। पिछले साल बैल उत्सव में यही जीता था और इस साल भी यही जीतेगा। किशनगढ़ के वासियों, ठाकुर परिवार के सौजन्य से हर वर्ष की तरह आज भी हम इस महोत्सव को प्रारंभ करते हैं। राजा साहब ने क्या सांड पाल के रखा है? अच्छे अच्छे सही बात कही बापू आपने। राजा साहब ने क्या सांड पाल के रखा है ये वो चुप। जो अपनी जान की बाजी लगाएगा, कोई ऐसा नौजवान जो अपनी ताकत आजमाना चाहेगा, बोलिए कोई है? आइए आइए आगे बढ़िए, क्या कोई है ऐसा नौजवान? कोई ऐसा ताऊ जी, मैं अभी आई। जानवर को काबू कर सकेगा, बोलिए कोई है? लगता है कोई नहीं। कोई नहीं? क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके? लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। उम्र भर नहीं। मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो पहले जीत कर तो दिखाओ, जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा क्या दे सकती हो? 50,000। ये इनाम तो कुछ भी नहीं जिस पर मेरी नजर है। क्या हुआ? देख मेरा दोस्त जा रहा है। बेवकूफ लड़का, ये भी गया। बापू लगी शर्त। कैसी शर्त? अगर अजय जीत गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को कालक लगाऊंगा, और अगर सांड जीत गया तो अपने हाथों से लगा लेना। Thank you.
आज ये सांड तो तेरे दोस्त को चने चबवाएगा, चने चने तो सांड चबा रहा है, अपने बापू को सांड बोलता है। किसी की भी हमारी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, आज तक किसी ने हमारे खानदान की आबरू पर हाथ नहीं डाला, आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जुर्रत नहीं की, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया। खामोश और नजरें झुका के बात कर, शायद तू भूल गया कि हम लोग कौन है। आप सिर्फ उस लड़की के ताऊ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, वैसे भी लड़की वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं। तू रिश्ता जोड़ेगा हमारे खानदान से? तू हमारे दरमियान के इस फासले को मिटाने के ख्वाब देख रहा है? तू प्यार हर फासले को मिटा देता है। कभी नहीं हो सकता, सारी उम्र कोशिश करता रहे तो भी ये फासला दूर नहीं हो सकता। हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। देवा मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई खून खराबा हो। रमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी अमानत आपको सौंप रहा हूं, आप रमा को लेने आए हैं ले जाइए, मैं उससे लेने आऊंगा बारात लेकर।
वही अभागन जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है, जिसके आंसुओं की पहली बूंद तेजाब बनकर आज तुम पर बरसी है। मेरे कलेजे से निकली हुई हाय तुम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे तमाचे में वो दम नहीं रहा रणबीर। ए, देख क्या रहे हो, जोर लगा के पेड़ काटो। जोर लगाकर तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे, मगर उस तूफान का मुकाबला कैसे करोगे जो तुम्हारे महल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चलो। अरे जाओ जाओ राजा साहब, तुम हार जाओगे, हार जाओगे। से आज तक कोई बच के नहीं किया पछुआ हरामजादे, तू है वो जिसने राजा साहब से टकराने की गलती की। हाँ तेरी ये जरूरत की उनकी आबरू को ललकारे जिनकी तरफ नजर उठाकर देखने तक की तेरी औकात नहीं है। हाँ आज तुझे राजा साहब की ताकत का एहसास हम कराऊंगा। ये सिंदूर तू अपनी बहन की मांग सजाने के लिए लाया था, इसे तो अब हम तेरी अर्थी पर गिराऊंगा। और ई सुहाग का जोड़ा तेरी बहन का है ना, इका हम बीच बाजार
उसके जिस्म से नोच नोच कर उसके गोरे गोरे बदन का चिथड़े उड़ाऊंगा चिथड़े। जानते हो इन्हें क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी शक्ति सीता मैया की इज्जत की रक्षा में लगा दी, और तुम नारी जाति का अपमान करके अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हो? तुम पहलवान नहीं, राजा साहब के पालतू कुत्ते हो। देख लिया राजा साहब, गरीब की एक आह हजार लाठियां बनकर कैसे बरसती है। जो आज इनकी हालत हुई है, जिस तरह इनकी हड्डियां टूटी हैं, कल इसी तरह तेरा गरूर भी टूटेगा रणबीर। उनका प्यार सैलाब बनकर तुम्हारी हवेली से टकरा रहा है, तुम्हारी बुनियादें हिल रही हैं। आज बुनियादें हिली हैं तो कल दीवारें भी गिरेंगी। तुम लोग इस सैलाब को अपनी मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, उनके प्यार के दीवानेपन को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। छोटे राजा, ये आप सब कहाँ जा रहे हैं? आग लगा दूंगा मैं, उस कंबख्त का नाम और निशान मिटा दूंगा। भाई लेकिन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, आपकी भतीजी ने पहले ही सब कर दिया है, उस अजय के गले में फांसी का फंदा डालकर। क्या मतलब? आप लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? ये क्या हो क्या रहा है? ओए बुड्ढे, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे इस घर की तलाशी ली जा रही है। तलाशी? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? ओ इसलिए कि हमें खबर मिली है कि तेरे बेटे के ससुराल से जो सामान आया ना, उसमें चोरी का माल है। चोरी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे समधी तो बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। ओए शराफत तो गई तेल लेने, रही बात इज्जत की तो इज्जत उतारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जरा ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, सारे बिरादरी के सामने हम लोगों की नाक कट जाएगी। तो है, और वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अविनाश और बहू उसके भाई के साथ मंदिर गए हैं, उन्हें आ जाने दीजिए, बस वो आते ही होंगे। ओए तू हमारे काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है क्यों? सरकारी काम में रुकावट डालने के जोर में सलाखों के पीछे अटका दूंगा मैं तुझको भी और तेरी लुगाई को भी, समझा?
है। बेटे, पुलिस वालों का कहना है कि बहू के घर से जो सामान आया उसमें चोरी का माल शामिल है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गलतफहमी हुई है, आप ये तलाश रोक दीजिए। ओए, तू कौन है? अजय। ओ अजय, कितना मासूम लग रहा है, डड्डू बनके लड्डू खा रहा है। इस इलाके में ऐसा कोई चोर नहीं जो टिप्पण सिंह के डंडे तले ना आया हो। साले तू कैसे बच गया रे? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत खबर मिली है, आप तलाशी रोक दीजिए। यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है, ये मेरी बहन का ससुराल है। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं आपके साथ थाने चलता हूँ। ओए, तू नौटंकी बंद कर, जाकर उधर खड़ा हो जा, चल उधर। रहने दे बेटे, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी दीजिए। अरे वही तो कर रहा हूँ, ये काम करने दे तब ना, चल उधर। ओए, कुछ मिलेगा कि नहीं? साहब, अंदर पड़े सामान कुछ नहीं मिला। ले ली तलाशी, हो गई तसल्ली। बापूजी, हम लोग कोई चोर नहीं है बाबूजी। कोई भी भाई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अपनी बहन के दामन पर बदनामी का धब्बा नहीं लगाएगा बाबूजी। हाँ बेटे। और अब इससे पहले कि हम आप पर मानहानि का दावा करें, चले जाइए यहाँ से। ये गहने तुझे किसने दिए? मेरे भैया ने। तो फिर ये हार भी तुझे तेरे भाई ने ही दिया होगा? जी नहीं, ये हार तो मुझे रमा दीदी ने तोहफे में दिया है। रमा दीदी ने तोहफे में दिया है? कमाल कर दिया छोकरी, ये 5 लाख का हार रमा दीदी ने तुझे तोहफे में दिया है। देखा तुम लोगों ने, हट गए तुम्हारे दिते। अरे होश की दवा करो, सोचो ये हार जो राजा ब्रिजराज सिंह ने अपनी भतीजी को दिया था, वो हार इस उठाई गरे की बहन को क्या राजा साहब की भतीजी अच्छा ही दे देगी? ओए देख ली शरीफों की शराफत, हा? ये हार दरअसल चोरी का है कि नहीं? ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं, सच है। मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, ये हार मुझे रमा दीदी ने ही दिया है। अच्छा, ये हार तुझे तेरी रमा दीदी ने दिया है? देखे भूल गई होगी, तभी तो तेरी रमा दीदी थाने में जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर आई है, और रिपोर्ट में चोर का नाम भी लिखवाया है, तो पढ़ लो। अजय, ये झूठ है, मेरे भाई ने कोई चोरी नहीं की, उसे तो इस हार का पता तक नहीं। हम पर विश्वास कीजिए बाबूजी, मेरा भाई। ओए बहन के टके, अपनी बहन को गहनों से लादने का इतना ही शौक था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी, उसे किसी कोठे पर बिठा देता। गिरफ्तार कर लो इसे। भैया, नहीं नहीं भैया, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। इज्जतदार पुलिस अफसर पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है तू? मैं तेरे भविष्य का नक्शा बदल दूंगा। चल।